बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान के उभरते हुए फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो एक हिस्ट्री क्रिएट की है, अब आमिर जमाल के हवाले से कुछ हैरान कुन किस्म के हकायक सामने आ रहे हैं। इंस्पिरेशनल स्टोरी सामने आ रही है कि किस तरह से एक टैक्सी चलाने वाला नौजवान जो है वो किस तरह से पाकिस्तान टीम में आया, किस तरह से वो सिलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर उसने ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलवी जो शायकीन है उनकी मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की जिस तरह से विकटें चटकाई, कमाल किया। और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चर्चे हैं, कमाल की इंग्लिश बोली है उन्होंने वहां पर और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलियन जो सहाफी हैं उनके सवालों का जवाब दिया, मजा आ गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल की, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री जो 71 साल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जो आज से पहले दोनों मिलके जो कारनामा सर अंजाम दिया आज से पहले किसी ने भी नहीं किया, क्या वो जबरदस्त रिकॉर्ड है। और फिर इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेटें हासिल की हैं ऐसा पाकिस्तान की जानिब से पहले कब हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, वो कब हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान और भारत दोनों एशिया कप का सेमीफाइनल हार गई हैं, लम्हाए फिक्रिया पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी कि एक तरफ पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हारी है, क्लोज मैच में हारी है और दूसरी जाने भारत एक ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर में मैच हार गई है, कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान, सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की टीम जो U19 एशिया कप की बड़ी ही जबरदस्त टीम नजर आ रही थी, कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान की टीम एशिया कप जीत सकती है। लेकिन एशिया कप के सेमीफाइनल में किसी और ने नहीं, यूएई की टीम ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया। जी हां, यूएई की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर एक क्लोज मैच में शिकस्त दी है। यूएई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए, ऑल आउट हो गई उनकी टीम। पाकिस्तान की जबरदस्त बॉलिंग नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कमाल कर जाएगी, फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम सिर्फ 182 रन बनाकर आउट हो गई और ये क्लोज फिनिश में पाकिस्तान की टीम हारी है। मैं ये समझता हूं कि आज का दिन पाकिस्तान का बैड डे था, पाकिस्तान की टीम बुरा खेली, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की टीम जो एशिया कप खेली है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने भारत को शिकस्त दी, बाकी सभी मैचेस में पाकिस्तान की टीम जीती, तो मुझे जो हमने खिलाड़ी देखे अब वो PSL का हिस्सा भी बन रहे हैं, तो ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट देम। बट जहां तक बात है भारत की, तो जनाब ये नहीं है कि भारत जो है वो पहुंचा है इसके सेमीफाइनल में पहुंच गया है, भारत की टीम के साथ भी बड़ा बड़ा हाथ हुआ है जी। 188 पे बांग्लादेश के बॉलर्स ने भारत की बिसात समेट दी और खुद उन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट अचीव कर लिया जबरदस्त तरीके से। 42वें ओवर में एक वन साइडेड अफेयर बना के रख दिया बांग्लादेशी यंगस्टर्स ने और यूं बांग्लादेश की टीम दूसरी बार बांग्लादेश की टीम दूसरी टीम बन गई है जो एशिया कप U19 के कप के फाइनल में पहुंची है और यूएई की टीम आई थिंक सो जितना मेरा नॉलेज है पहली बार U19 एशिया कप के फाइनल में पहुंची होगी और ये स्टोरी है पाकिस्तान की और इंडिया की। सो इसलिए इस बार भाई तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी वाली बात हो गई है, मुझे वो पुराना गीत याद आ गया। तो आज इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना वो एक दूसरे की हार पे जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि कहेंगे भाई तेरा गम मेरा गम
एक जैसा सनम, तुम भी हार गए हम भी हार गए, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में मुझे स्टार्स नजर आ रहे हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, सीरियसली स्पीकिंग, इंडियन टीम ये जो भेजी गई है ना अंडर 19 की, ये तो मेरी समझ से बालातर है। मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नजर नहीं आ रही। आप ये देखिए कि यूएई की टीम ने बाय द वे श्रीलंका को भी शिकस्त दी है, तो यूएई की टीम इस बार कुछ खास खा पी के खास तैयारी करके आई है। बाहर अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपको पता है 2024 के स्टार्ट में ही साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो रहा है, जनवरी के स्टार्ट में मिड में, तो उस पर सबकी नज़रें होंगी। ये एशिया कप तो बहरहाल अब डन एंड डस्टेड हो गया पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के लिए। दूसरी जानिब आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद दोनों ने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू पर मिलकर 8 विकटें ली हैं। दोनों डेब्यूटेंट थे, एक ने 6 विकटें ली और एक ने 2 विकटें ली, सो 8 विकेट्स। आज तक पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो डेब्यूटेंट्स ने मिलकर 8 विकटें ली हूं। सो पाकिस्तान की 71 साल टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि इसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ये वो हिस्ट्री है जो क्रिएट हुई है। और आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में ये जो 6 विकटें उन्होंने हासिल की, वैसे तो वो 14वें बॉलर बन गए हैं पाकिस्तान की जानिब से जिसने टेस्ट डेब्यू पे 5 या 5 से ज्यादा विकटें हासिल की हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसा कारनामा सरंजाम देने वाले दूसरे पाकिस्तानी बॉलर हैं। इससे पहले 1964 में तौफीक बट ने वहां पर 5 विकटें ली थी डेब्यू के ऊपर। ये वहां पर ये कारनामा सरंजाम देने वाले, अब हिसाब आप खुद लगा लेंगे कितने साल बाद ये कारनामा सरंजाम दिया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, सो ये भी अप्रिशिएशन बनती है। दूसरी जानिब आमिर जमाल की कहानी सामने आई है सर, रियल इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ आमिर जमाल, जिस मेहनत के साथ, जिस मुशक्कत के साथ इस नौजवान ने क्रिकेट खेली है और जिस तरह से उसकी मुशक्कत का और मेहनत का उसको फल मिला है आज, सर हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने इस बेचारे नौजवान को, डिजर्विंग नौजवान को मौका दिया जिसने जान मारी है क्रिकेट में। ये वो नौजवान है जो कहता है मैं 2017 में ये जो ऑनलाइन टैक्सी चलाया करता था, मतलब सुबह 5 बजे उठ के नमाज पढ़नी, पढ़ के फिर अपने आप को ऑनलाइन कर लेना और 11 बजे तक मैं टैक्सी चलाता था और उसके बाद फिर 11 से 1 बजे तक मैं अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करता था। इट वॉज इन 2017, ये 2014 में अंडर 19 खेला है, उसके बाद 3 साल वो कहता मैं क्रिकेट ही नहीं खेला, मतलब मेरे ये हालात ही नहीं थे कि मैं क्रिकेट खेल सकूं, और खेलता था तो बीच में ग्रेड 2 के मैचेस हल्के फुल्के और मेरी इतनी वो थी भी नहीं, लेकिन उसके बाद कहता है कि फिर मैंने मेहनत शुरू की और ये उसने अपना पूरा, उसने कहा जी मैंने लीज के ऊपर एक गाड़ी ली और लेकर मैं वो अब गाड़ी चलाता रहा। इससे पहले वो कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मुझे किसी ने यहाँ क्लब में देखा पाकिस्तान में और कहा कि तुम बहुत जान मारते हो तो तुम ट्राई करो ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से लेटर भेजता हूँ और तुम वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे क्रिकेट खेलो, अगर तुम्हें तुम्हारा वहाँ पे फ्यूचर बनता है तो तुम वहाँ पे कुछ कर लो। तो वो कहता है कि फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया जाके मैंने वहाँ पे क्लब में क्रिकेट में परफॉर्म किया और बहुत अच्छा मेरा वो सीजन रहा, लेकिन वहाँ से मुझे पता चला कि पाकिस्तान की अंडर 23 टीम जो है वो कहीं जा रही है दौरे के लिए, तो कहता है कि मैं वहाँ पे अधूरा छोड़ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ख्वाब दिल में लिए मैं वापस आ गया। और फिर वो कहता है कि मैंने दोबारा, मतलब नेट बॉलर तक के लिए उसने कहा जब मुझे मौका मिला, मुझे किसी ने बताया कि नेट बॉलर की ज़रूरत है तो मैं मिन्नत तरला करके नेट बॉलर भी बना जाके ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्रिकेट कहाँ है और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनकी क्रिकेट कहाँ है। जब ये 2018 में आई थिंक सो टीम आई थी इसकी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए, पहली बार बड़े अरसे के बाद आ रही थी। तो ये है जनाब उसकी कहानी। और वो फिर कहता है कि मैं, मतलब जब मैं टैक्सी चलाता था फिर मैं दोबारा फिर ऑनलाइन हो जाना, दोबारा ऑनलाइन होने के बाद फिर रात तक, वो कहता मैं रात को घर पहुंचता था जब सब घर वाले सो चुके होते थे। और कमाल का इस बंदे में मुझे एक टेम्परामेंट नज़र आया है, मेहनत नज़र आई है। और उसने कहा कि जो मैं, जब मैंने मेहनत जितनी मैंने की है, जितना मैंने अपना आप इन्वेस्ट किया है क्रिकेट के लिए, जब मुझे ये
मौका मिला है, मैंने कहा कि मैं उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मुझे वो कहता है कि इस बार जो सीजन था टेस्ट का, ये जो जो हुआ है कायदाजम ट्रॉफी का, उसने कहा, मुझे कहा एजाज भाई ने कि कुछ मैचेस जो हमारे कोच थे, उन्होंने कहा कुछ मैचेस अगर तुम मिस करना चाहते हो तो मिस कर लो। उसने कहा कि मैं एक भी मैच मिस नहीं करना चाहता। मैंने उनको कहा मैं एक भी मैच नहीं मिस करना चाहता, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों में करना चाहता हूं। मुझे सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि हम तुमको एक ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं, तो उस नंबर पे बैटिंग करो जिसमें हम तुम्हें नेशनल टीम के अंदर रख सकें। तो वहां पर उसने कहा कि मैंने उस तरह से, और फिर मुझे कहा गया कि लंबी बैटिंग करो, लंबे लंबे बॉलिंग के स्पेल करो, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करो। क्या जान लड़ाई है उसने, क्या मतलब ग्रंट, हर बॉल पे जोर लगाया है, और 140 प्लस की रफ्तार से उसने जो जी जान के साथ, सर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स इस बार मौजूद हैं, ऑब्वियसली रवि शास्त्री इज देयर, और उसने कमाल तारीफ की है। फिर इंडियन के साथ ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स क्या कह रहे थे, लाइन हार्टेड एफर्ट है इसकी, लाइन हार्टेड मतलब शेर दिल लगा है ये बंदा। और क्या कमाल का फिर वो उसका रिसेप्शन, 6 विकेटों के बाद, पहले 5 के बाद सजदा करना, फिर 6 विकेटों के साथ पूरा ग्राउंड क्लैप कर रहा है, एंड दिस इज वंडरफुल इन ऑस्ट्रेलिया, दे ऑलवेज एनकरेज एंड सपोर्ट गुड क्रिकेट। वो ये नहीं है कि अगर मुखालिफ टीम अच्छा खेल रही है तो उनको मौत पड़ जाती है, दे लव क्रिकेट, दे इंजॉय क्रिकेट, एंड टेस्ट क्रिकेट को जितना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पसंद किया जाता है, शायद दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं किया जाता। बहरहाल उनकी ज़बरदस्त इंग्लिश के चर्चे हैं, कल उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जितना कमाल की ज़बरदस्त प्रोफेशनल स्टाइल की इंग्लिश बोली है भाई, मैं तो खुश हो गया हूँ। मतलब फ्लॉलेस इंग्लिश बोली है, कोई टेंसेस गलत नहीं बोले और कोई अल्फाज का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तो कमाल की इंग्लिश, कमाल का कॉन्फिडेंस एंड कमाल की कम्युनिकेशन स्किल्स, अमेजिंग। मतलब दिल खुश हो गया है उसकी इंग्लिश को सुन के, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने ऑस्ट्रेलियन जो है वो कमेंटेटर्स का सामना किया, और जिस तरह से उसने कप्तान की कप्तानी बताई। अब मुझे फिर लोग पूछते हैं कि जनाब ये किस तरह से आप जो है कहते हैं कि शान मसूद जो है वो अच्छा कप्तान नहीं है, आप मुझे कहते हैं कि जी आप शान मसूद की तारीफें करते हैं तो शान मसूद की कप्तानी पे बात करें। तो कल ही उसने बता दिया था, उसने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने और शान भाई दोनों ने, हमने मिल के ये प्लान किया कि ये जो है इसको हमने शॉर्ट पिच बॉलिंग से आउट करना है, और ट्रेविस हेड को हमने जो है वो कैच करवाना है उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और कट करने का इसको शौक है, और इसलिए हम बार बार उसी लेंथ पे मैं बॉल कर रहा था और उसके लिए ट्रैप सजाया हुआ था। तो ये कप्तानी नहीं है तो और क्या है भाई। जितना वो कम्युनिकेटिव है बतौर कप्तान के, अपने बॉलर्स के साथ जाके डिस्कस करता है, और फिर बॉलर ने कहा कि मैंने उनसे कहा मुझे एक और स्पेल दें, मेरा पहला स्पेल अच्छा नहीं गया, दूसरा अच्छा नहीं गया, दूसरे में पहले से बेहतर हो गया, तीसरे में उसने कहा कि मैंने खुद शान भाई से कहा कि प्लीज मुझे स्पेल दें, और उसने मुझे दिया स्पेल। हर ये चीज है, ये बॉलर बनाता है कप्तान, ये लिख लीजिए, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। उसका कैरियर को बहुत ज्यादा, 34 साल का बेचारा वैसे हो गया, मेहनत बहुत की है उसने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ, लेकिन जितनी क्रिकेटिंग सेंस उस बंदे में है ना, मैं आपको बताऊं कि उसको लगा रहने दीजिए पाकिस्तान का कप्तान। आपको कोई 5-10 प्लेयर देके जाएगा, वो 5-10 प्लेयर देके जाएगा, ये नहीं कि वो सिर्फ खुद अपने आप को बड़ा बनाएगा, 5-10 प्लेयर देके जाएगा आपको। दो तो अभी उसने आपको बॉलर दे दिए, दो अभी बॉलर दे दिए आपको जो फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं अगर आपने उनको प्रॉपरली जो है वो पैम्पर किया और प्रॉपरली उनको इस्तेमाल किया। भाई बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट अजीज है, पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए। आप देखें पिछले 5 सालों में कितने नए प्लेयर्स आए हैं जी पाकिस्तान में, कितने बड़े स्टार दिए। अब ऊपर से वो लोग वहां पे कह रहे हैं कि जी उसका साइमन कैटेज ने आज कहा है वहां पे कि अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज है, मैं एग्री नहीं करता, सॉरी, अब्दुल्ला शफीक इज लाइक बाबर आजम, ठीक है वो बाबर आजम की तरह खेलता है, उसी तरह परफेक्ट है, उसी तरह का उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग है, उसी तरह वो फ्लॉलेस बैटिंग करता है, लेकिन सर बाबर आजम वो नहीं है।
बाबर आजम बाबर आजम है और बाबर आजम दुनिया में एक ही है, ठीक है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर अब मेरी आपकी हम सबकी नजर है। देखिए आई विश कि मैं बाबर आजम कल ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में सेंचुरी करे एंड आई वुड बी द फर्स्ट वन जो मैं सबसे पहले जश्न मनाऊं बाबर आजम की सेंचुरी पे। मुझे बाबर आजम बतौर बल्लेबाज पसंद है, पसंद था, पसंद रहेगा। मेरा एतराज सिर्फ कप्तानी से था। बाबर आजम इज नॉट अ बॉर्न लीडर। बाबर आजम लीडर नहीं है, लीडर नहीं था और कभी भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि लीडर्स हमेशा बॉर्न लीडर होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लीडर बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो, ये जहन में रखिएगा। लीडर दूसरों को लड़ाना जानता है, जो अपनी जात पे खेलता है ना वो फिर खेले। अब बाबर आजम के पास भरपूर मौका है कि वो अपने हेटर्स को जवाब दे, वो बताए कि ये नहीं है कि मैं मुश्किल कंडीशंस में नहीं खेल सकता, ये नहीं है कि मैं छोटी टीमों के खिलाफ खेलता हूं, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेल सकता, जो जो उस पर इल्जाम लगते हैं सबका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसे। पर्थ के मैदान में सारी दुनिया देखेगी कल बाबर आजम किस तरीके से अपने हेटर्स को जवाब देते हैं। एंड हमारी बेस्ट विशेज है बाबर आजम के साथ। आई वुड बी द फर्स्ट वन टू बी हैप्पी कि जब पता चले कि बाबर आजम ने वहां सेंचुरी की है। बाबर आजम अच्छा खेला, चले सेंचुरी नहीं भी की, बाबर आजम वहां पे अपनी क्लास के मुताबिक खेला, जो उसकी क्लास है उसको जस्टिफाई करता है बाबर आजम कल अगर अपनी इनिंग्स में, तो हम सब खुश होंगे। वी आर नॉट हेटिंग एनी वन, किसी के लिए नफरत नहीं है, मोहब्बत पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान के लिए करेगा सर हमारे आंखों का तारा है वो कोई भी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।